ये सबक होनी चाहिए, जहां भी जो घटना घटे अगर आरोपी पकड़ा जाए तो ऑन स्पॉट उसका जजमेंट होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आर्थिक आधार पे कतई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रतिबंधी प्रतियोगी है उनको रिजर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक रूप पे कमजोर है, और जो आर्थिक रूप से एकदम से पिछड़ा वर्ग है उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मंजू सरकार, और बंगाली लैंग्वेज पढ़ाती हूँ और बंगाल से हूँ। आज जब ये पूरे देश की घटना सुना, देखा, मैं इस कैंपस में आई थी, तो ये जो धरना या प्रतिवाद चल रहे हैं, मुझे लगता है ये सर्वतोभावित सत्य है। और ऐसा जो घटना हो रहा है सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, आपका हरियाणा में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो एज ए शिक्षिका मैं इसका तीव्र प्रतिवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे समाज, जब 19वीं शताब्दी थी तब भी ऐसा होते थे, आज हम लोग सबसे आधुनिकतम युग में आके पहुँचे हैं, फिर भी हम इसको देखेंगे तो हमें क्या बदलाव किया हम लोगों की। आज हम बोलते हैं कि हम बहुत शिक्षित हो गए, हम समाज में सुधार लाए, समाज हमारा पढ़े लिखे बने, और समाज में अर्थनैतिक जो स्थिति है वो भी बदले हैं, लेकिन कहाँ बदले हैं? आज भी तो वही स्थिति है कि हम एक औरत जो बचने के लिए किसी घर में घुसते वहाँ पे पेट्रोल से जलाया जाता है, ये कहाँ की न्याय है? आप बताइए, सभ्य समाज में ये कहाँ तक मान्य है? मेरे ख्याल मतलब मेरे हिसाब से समाज में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए जीना सीखना होगा। यह अगर नहीं सीख पाएंगे तो आज जो 21वीं शताब्दी है इसमें भी हम आदिम वन्य जंतु की तरह ही रहेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए दूसरे को नोच लेंगे, ये कहीं से भी समर्थन योग्य नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ दूसरों की बात सब इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ के इसका प्रतिबाद करें, और समाज से मैं ये देखती हूँ पूरे देश में हमने भी हर घर तिरंगा आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाया, आगे भी हमारे बंगला भाषा की जो समूह है उससे भी कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि हम आज़ादी की 75वीं साल मना रहे हैं, आज भी हम इस दृश्य को देखेंगे, जबकि बाबा साहेब अंबेडकर कितने दिन पहले इस बात को लेकर लड़ाई की, उन्होंने बकायदा लिखते रहा समाज में इस अवस्था को सुधार के लिए, लगातार कार्यक्रम करते रहे, समाज को समझाते रहे, हम भी यही कर रहे हैं, हमारे जो छात्र वर्ग है। हाँ, लेकिन उन लोगों की मानसिकता में तो कोई सुधार नहीं आ रहा ना, तो फिर अत्याचार कैसे रोकेंगे? वही हम सबको, समाज की सारे वर्ग को हम यही आह्वान करते हैं कि आप इंसान बनिए, आपकी खुद की जो भूख है वो तो जानवर के भी होते हैं, आपसे पोशाक में सभ्य दिखते हैं, लेकिन आप अगर मानसिकता को सुधार नहीं करेंगे, मानसिकता में उदारता नहीं लाएंगे, तो समाज नहीं विकसित होगा। फिर तो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं ना, वही उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और इसमें हो सकते हैं कि समाज के जो ऊंचे वर्ग में या कोई स्थायी जो सदस्य है वो लोग भी सोचे और समाज की इस मानसिकता को बदलने के लिए मुहिम चलाए। हाँ, ये दलित को एकजुट होना पड़ेगा, और हमारे जैसे जो शोधार्थी है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, सब इकट्ठा होके समाज को शिक्षा देने की जरूरत है। आधे बीजेपी में, आधे कांग्रेस में दलित, ये पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर जाएंगे तो समाज बिखरेगा, क्योंकि आज जो बीजेपी में है कल वो कांग्रेस में हो सकते हैं, आज जो कांग्रेस में है कल बीजेपी में हो सकते हैं। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के मानवता को पहले लाए, और समाज में जो ऊंचे वर्ग में है बैठे हैं वो सोचते हैं
हम समाज के धरोहर है और जो नीचे बैठे हुए दलित है ये इंसान नहीं है, इस मानसिकता को बदलना होगा। आप कहते हैं कि रिजर्वेशन आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, हाँ भेदभाव खत्म हो गया देश में। नहीं, रिजर्वेशन उन्हीं को देना चाहिए जो आर्थिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर है, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। रिजर्वेशन कोई आर्थिक आधार पे नहीं है। नहीं नहीं, आर्थिक आधार पे कतई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रतिबंधी प्रतियोगी है उनको रिजर्वेशन में रखना चाहिए क्योंकि वो शारीरिक रूप पे कमजोर है, और जो आर्थिक रूप से एकदम से पिछड़ा वर्ग है उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, जो सामाजिक आधार पे शोषण होता है वो बंद हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सामाजिक शोषण बंद हो गए हैं। हाँ, लिखित रूप से तो बंद हो गया है, लेकिन समाज के अगर बंद होता तो आज के ये सब घटना हमें नहीं देखने को मिलता। हम आज भी देख रहे हैं, इसका मतलब आज भी समाज में ये सब घटनाएं चल रहे हैं। कुछ मैं नहीं कहूंगी पूरे लोग खराब है या सारे समाज खराब है, ऐसा नहीं। कुछ इंसान है, कुछ लोग है जिसके मन में आज भी ये भावना है कि हम ऊंचे स्तर में बैठे हैं, हमारी आज भी उनके मन से वर्ण भेद जाति भेद गए नहीं, वो अभी भी ऐसे ही सोचते हैं। सिविल सोसाइटी लोग वाले भी चेहरा देख के आंदोलन करते, मांग करते? नहीं, ऐसा नहीं लगते। जो लोग सच में दिल से मानविकता रखते हैं वो किसी भी लोगों के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, उसके रूह कांपेगा। लेकिन जो लोग खुद को एक धारणा के अंदर, एक भावना के अंदर रखे, वो तो जरूर ऐसे लुक देख के या चेहरा। आप कह रहे हैं कि मानवता, इंसानियत, मतलब मानवता और इंसानियत से पहले तो लोग जाति पूछते हैं, तो ये कैसे होगा खत्म? जाति पूछने का जो प्रथा है इसको खत्म करना होगा। काबिलियत पूछे, आप किसी को पूछे तो काबिलियत पूछे। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम थोड़ी ना पूछते तुम किस जाति के हो बच्चे, हम देखते हैं कौन अच्छे पढ़ते हैं, जिसका मेरिट अच्छा है उनसे ज़्यादा, जो पिछड़े हुए हैं, जो कमज़ोर है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम उस बच्चे को और थोड़ा सा डेवलप करते हैं ताकि क्लास में बराबर जो भाव है वो आए, सारे बच्चे समान रूप से मेरे विषय को जाने। ऐसे समाज में भी होना चाहिए। सब आप जैसे नहीं है ना? नहीं, मेरे जैसे नहीं होगा, लेकिन हम अनुरोध सबसे कर सकते हैं कि आप अच्छे बने। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप अच्छे बनो, लेकिन बोल सकते हैं ऐसे मेरे जैसे और भी 10 आदमी आएंगे तो 10 जो खराब है वो भी बदल जाएंगे। मैं सबसे आग्रह करूंगी जो हमारे शिक्षित वर्ग है वो आगे आए और इस जो भावना को ये एकदम जड़ से खत्म करें, ताकि समाज ये है जब ऐसी घटनाएं आती है तो समाज आगे निकल के नहीं आता। हर समाज को ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए ना? नहीं, अभी आ रहे हैं, जैसे हम इस घटना से आरोपी के समर्थन में 36 कौमें इकट्ठी हो रही है मैडम। देखिए, जैसे कि आज राजस्थान की घटना को लेकर धरना हो रहा है, लेकिन मैं हूँ बंगाल से, ये नहीं सोचा कि बंगाल से हूँ तो नहीं आना चाहिए। नहीं, आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, ये समाज के जो महिला है, आज 21वीं शताब्दी में महिला अगर सुरक्षित महसूस ना करें तो कब करेंगे? आज जबकि हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे घर बनाने की सोच रहे, सपना देख रहे, और आज हमारे इस धरती में, ये पावन धरती में, भारत में महिलाओं को मतलब असुरक्षित महसूस करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत जो कल्पना नहीं बनेगा? इसीलिए अगले जो 25 साल आजादी के अमृत महोत्सव से कहने को नहीं, हमें करना होगा। आज से अगले 25 साल हम ये सोचेंगे, हर नागरिक, भारत की 130 करोड़ जो जनता है, सबको सोचना चाहिए कि हम से खुद को नहीं, लेकिन खुद जाति का घमंड, हाँ, वो कैसे टूटेगा? वो भी टूटेगा जब वो खुद से बाहर आके भारतीय सोचेंगे कि हम भारतीय है। खुद के जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मैं राजपूत हूँ, राजपूत तो कैसे सुधार होगा मैडम? वो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है उनको पहले, सबसे पहले उनको बदलना चाहिए, उनकी मानसिकता को बदलना चाहिए। और इसीलिए उनके मीडिया के सामने कह रहे हैं मैं राजपूत हूँ, डरूंगा नहीं। हाँ, और इसीलिए हम दिल्ली के जनता या दिल्ली के
के शिक्षिका के तौर पे उनको ये उनसे आवेदन करते हैं कि आपकी ये मानसिकता बदले। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मतलब पूरे भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है उनके वो धरोहर है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं मैं उच्च जाति का हूँ, बड़ी जाति का, योगी जी ने खुद कहा है, तो कैसे कम होगा मैडम? तो सबको बदलना चाहिए, सबको ये धारणा से बाहर आना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं क्लास में हमारा कक्ष में जो भी छात्र बैठे हैं वो किस जाति का है ये नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए उनको कैसे डेवलप करें। कहता है मैं पिछड़ा हूं तो कैसे यहां जातियां छूटेंगी मैडम? देश के प्रधानमंत्री किस प्रेक्षित में ये बात कहा मैं नहीं जानती हूँ, तो इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, हर किसी को ये जो भावना हीन भावना, ये हीन भावना से ऊपर आना चाहिए। जातियां तो कूट कूट कर भरी हुई है ना, ये इसका जो मुहिम है आप ही लोग चलाओगे। आज जैसे आपके माध्यम से मैं अपनी बात रखी, ऐसे ही और भी लोग रखेंगे और आप भी सही खबर को मीडिया में दिखाएंगे और समाज को ये संदेश देंगे कि हीन भावना से ऊपर उठ के हमें इंसानियत को मतलब अपने अंदर लेना चाहिए और सबको समान सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच पाएंगे तो अगले 25 साल में भी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, और हमारा लक्ष्य यही है हम अगले 25 साल में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैम ये तो था दलित का मुद्दा, अभी मैं बात करूँ तो बिल्किस बानो के जो 11 रेपिस्ट हैं उनको छोड़ दिया गया, टीका माला पहनाई जा रही है और महिलाएं टीका कर रही हैं, तो 75 साल में महिलाएं, अब जो बनाया जा रहा है अमृतकाल चल रहा है उसमें महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है? एक बात देखिए, राजनीति हम छोड़ना चाहते लेकिन राजनीति हर बात पे आ जाती है। जब कोई एक इशू होता है कुछ राजनीतिक पार्टियां क्या सोचते हैं कि इनको हम और उजागर करें और हाईलाइट करें, जबकि वो गलत है। गलत है, एक पार्टी बोल रही है गलत है, दूसरे पार्टी क्या बोल रहे हैं इसको ऐसे दिखाओ कि ये सही है। तो ये जो मीडिया कवरेज को भी मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं कि किसी को ऊपर दोषारोप कर रही हूँ कि आरोप लगा रही हूँ ऐसा नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं मीडिया भी अपने TRP इसका ध्यान रखे, लेकिन ऐसे खबर दिखाए जो समाज में सही वार्ता जाए। जैसे पहले के ज़माने में जो मूवी बनते थे वो क्या बनते थे, लास्ट में एंडिंग पॉजिटिव कुछ देते थे। आज हम क्या सोच रहे हैं कि जनता क्या चाह रहे उससे भी ज़्यादा हम देते देते हम ऐसे स्थिति पे पहुंच गए कि वो समाज के लिए मसाला दिखा रहा है क्या, मसाला जिस न्यूज़ में मसाला हो? सिर्फ मसाला नहीं, ये सिर्फ मीडिया की भी गलती नहीं। आज एक पार्टी यहाँ पे जब किसी मुद्दे को गलत कह रहे दूसरे पार्टी उसी को बुना रहे अच्छे कहने में, तो मीडिया क्या करेगा? कुछ मीडिया यहाँ पे जा रहे कुछ मीडिया वहाँ पे जा रहे, तो ये जो खेल चल रहे हैं ना ये खेल बंद हो। सवाल तो मैडम ये है कि 11 आरोपियों को रिहा कर दिया, सोची उन्हें उम्र कैद दी है, वो किसी भी हद से किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। जब एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है चाहे कोई भी हो, चाहे दलित हो चाहे उच्च वर्ण के हो, ये वर्ण नहीं है, महिला है। जिस देश में महिला की सुरक्षित मतलब व्यवस्था नहीं है, महिला की सम्मान नहीं है, वो देश कभी विश्वगुरु बन ही नहीं सकते, विश्व में श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। तो ये 11 लोगों को जो छोड़ दिया ये सही नहीं है। हैदराबाद पुलिस क्या क्या था, 4 आरोपी थे, चारों को ऑन स्पॉट उसी जगह पे मारे थे, एनकाउंटर करे थे, तो क्या क्या लोगों ने फूल बरसाए थे, तो वो था असली हीरो। लेकिन उसके बाद तो उसकी भी घटना की सच्चाई सामने आई कि वो आरोपी थे ही नहीं, निर्दोषों को मार दिया। अभी ये कैसे आप बताओगे कि वो सच घटना है? वो भी तो गलत हो सकता है कि इसको फैलाव किया जा रहा है, तो असली घटना की तय तक जाना है। जांच रिपोर्ट आई है, चारों निर्दोष ही थे, वो जिसको ये जो जांच आई है, लेकिन वो एक सबक है, ये सबक होनी चाहिए। जहाँ भी जो घटना घटे अगर आरोपी पकड़ा जाए तो ऑन स्पॉट उसका जजमेंट होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई निर्दोष मारा जाएगा वो नहीं होना चाहिए, निर्दोष नहीं मारे जाने चाहिए। अगर वो दोषी पकड़ा जाए, आप देखो कसाब को भी तो कितने दिन खिलाए पिलाए, इतना नहीं करना चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाए तो जल्दी उसका सल्यूशन निकालना चाहिए, एनकाउंटर सीधा हो जाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको खींचते रहे और उसी के कारण और खर्चा हो और कोई इशू आ जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और खास करके महिलाओं के सम्मान होनी चाहिए, तभी ये भारत विश्वगुरु बनेगा। तो मोदी जी तो सम्मान कर ही रहे लाल किले से महिलाओं का,
महिलाओं की सिर्फ मोदी जी सम्मान करने से, मोदी जी रास्ता दिखा रहे और करना है समाज को, वो तो एक व्यक्ति है, वो धरोहर है, वो समाज को दिशा दे रहे हैं, समाज को देखना चाहिए कि कैसे उसको सुधार करें। दिशा दे रहे हैं, बीजेपी अपने विधायकों को बचाती है, तो आरोपी है। देखिए पार्टी के बारे में नहीं कहेंगे, पार्टी के बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि मोदी जी जो दिखा रहे आप उसको फॉलो करें, जो अच्छे बोल रहे उसको फॉलो करें। जैसे स्वच्छता अभियान, थोड़ी ना मोदी जी हर दिन सफाई करते रहेंगे झाड़ू लेके, लेकिन उन्होंने शुरुआत की तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। अभी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मैं सिर्फ इतना कहूँगी समाज के जो अवस्थान है उसमें महिलाओं को सुरक्षित और सम्मान की एक स्थिति देनी चाहिए, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। आप लोगों के माध्यम से ये बात पूरे भारत में फैले, मैं ये आशा करती हूँ, और आप लोग भी आगे जो भी खबर दिखाएंगे वो सकारात्मक दिखाएंगे, जो भी नकारात्मक है उसको आप छोड़ देंगे, ये मेरे तरफ से अनुरोध भी है आप लोगों। तो अभी हमारे साथ एक शिक्षिका थी, तो उन्होंने जिस तरीके से बिल्किस बानो के जो मामला था, 11 आरोपी थे, हत्यारे थे, और जिन्होंने एक बिल्किस बानो महिला, जो समाज तय नहीं कर पा रहा है, ये मीडिया तय नहीं कर पा रहा है कि वो महिला थी या मुस्लिम थी, तो आप सोचिए कि किस तरीके से 11 आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, लगातार उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनके टीके लगाए जाते हैं, और वहाँ पर वही महिलाएं टीके लगाती हैं जो एक महिला का सम्मान और जीने का सम्मान छीन लेते हैं, जो उसके साथ गलत करते हैं। सोचिए वो कौन सी महिलाएं हैं जो उनको टीका लगाती हैं, और वो कौन विधायक लोग हैं जो उनके आने पर खुशी मनाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं। तो लगातार इस तरीके का काम जो है बीजेपी के चलते ही किया जा रहा है, और लगातार बीजेपी के लोग अपने विधायकों को बचाने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से श्रीकांत त्यागी के लिए भी महापंचायत बैठा दी गई, जिसने महिला के साथ गाली गलौज किया। तो ये लगातार जो काम हो रहा है ये होता ही जा रहा है, ये मगर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।